हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सभी लोग? आज गोलू की छुट्टी है। महीने में चार संडे होते हैं, एक संडे को ये ट्यूशन जाता है, दूसरे संडे को छुट्टी रहती है। मैं कौन सा कोई अलग भाषा में बोल रहा हूँ फिर ना, मैं भी तो यही भाषा बोल रहा हूँ ना। एक संडे को तो ट्यूशन जाता है, एक संडे की छुट्टी रहती है। अब इसकी भाषा में और मेरी भाषा में कोई फर्क आ रहा है? अभी सुबह के 7:52 हुए हैं, 7:50 का अलार्म भर रखा है मैंने मोबाइल में कि 7:50 जो अलार्म बज जाए तो उसके बाद रेडी होके तो चला जाना। लेकिन आज छुट्टी है तो आज गोलू पूरे दिन पढ़ेगा, पहाड़े याद करेगा। आज कौन कौन से पहाड़े याद करेगा गोलू? एक तो देख, तो कल दो को पाड़ो सही ना आयो, ना तीन को पाड़ो आयो। तो तेन टीप टीप के लिखे है निकल कर करके। तीन तो बिना तीस तक बिना टीप पे लिखे, तीस तक ना आए, तीन को पाड़ो, तीन के लास्ट में तीस आवे। कल मैंने कुंडी को धोके भरा था, एकदम चली उल हो गई, लेकिन बीच में भी इसमें थोड़ा सा ना भूस यानी कि तूड़ा इकट्ठा हो गया है। भैंस बड़े जब पानी पीते हैं तो देखिए, अरे पी लें, पीवे ना दो घुट पान पी चल दे। भैंस बढ़िया के मुँह पर भूस लगा रहता है तो वो छूट जाता है इसमें, इसलिए थोड़ा सा गंदा हो जाता है, बाकी पानी एकदम क्लीन हो रहा है। रामदास इधर माए, दयाल सिंह इधर माए बेटी, कुन्या बाई इधर माए, लच्छी राम की बेल में इधर माए, हरजी बाबा इधर माए, रतन सिंह बाबा इधर माए, छत्तर सिंह इधर माए, भोंदू बाबा इधर माए, सुगर सिंह इधर माए, हरमन की इधर माए, मलकान सिंह की बेल में, छज्जी राम बाबा, देवी सिंह की बेल में, रमेश इधर माए, रामजीत इधर माए, सुरेश बाबू इधर माए, पप्पू इधर माए, तारे इधर मेरे पेड़ कौन क्या इधर माए, रामजीत की बेल में इधर माए, सत्येंद्र चौधरी इधर माए बेटी, शैलेंद्र चौधरी इधर माए, रिंकी चौधरी, जिजमान इधर माए, गलता चौधरी इधर माए, चारण की इधर माए, ताजपुर की कुशी राके, भगवान जावास से चंद्रमा दसंता नाती पंथी होवन, तुमने माँ पान राखो तुम्हारा श्री सत्यनारायण स्वामी राके, अवकी आके परमपिता परमात्मा, रामजीत चौधरी की इधरमा के दिन दूनी रात चौगनी, अजावे अवकी आके इधरमा के सत्येंद्र चौधरी की बहु लिखे इधरमा के नाती लिखे तादना फिर चकाचक उड़ेगी, इधरमा के रामजीत चौधरी के यहाँ से भाई धन से धाम से संतान से सब तरीका सामर्थ मन बनावे ईश्वर, ऐसे ही आवे ऐसे कलम चलती रहे भाई, कुछ राके एक के 1000 घर बसावे ईश्वर, और भरे पूरे भंडारे रखे है ठाकुर जी महाराज हमेशा खुश रहते हैं। और इन्हें अपने भंडार गृह में डालना ठीक है, और ये इस बच्ची को देना, बाने जी तो है? हाँ बन जाए। हाँ अच्छा अच्छा चलो ठीक है, ला ला ला। रे गोलू तो को दिखे ना ये की चेहरा, ये हाथ पकड़ा ला हाथ, लांद्रो लंदो इनात इत को आजा कर लियो ब्रो, रह गई मौज। अब आ रही ना आया हूँ। की कहाँ है? ले हाथन दो पहले तो। बढ़िया तेरा दौड़ करके नहीं। बोलो क्या? साबन मत लगा अभी यार, पर पामन धोने तो बोलू। ले नीचे ले। ये ऊपर कर ले पजामा, ऊपर खींच ले थोड़ा सा, बस 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 ले। अभी जो श्रीमान बैठे थे और जो बोलकर कुछ बता रहे थे तो वो जगह हैं जो कि पूरी वंशावली का हिसाब किताब रखते हैं, और जो मुझे लगता है शायद सभी जगह होते होंगे जगह। तो उन्होंने करीब 5 या 6 पीढ़ी का गुणगान करके बताया कि आपके दादा का नाम ये था, परदादा का नाम ये, उनके उनके दादा का नाम, उनके दादा का नाम, तो सभी का इन्होंने डिटेल बताई, आप कहाँ से आए, कैसे आए, और मतलब सब कुछ बताया। तो ये जगह जो है करीब 4 या 5 साल में एक बार आते हैं, और जो भी कुछ परिवर्तन होता है, कोई मरता है या फिर कोई नया जन्म लेता है, शादी विवाह बच्चे होते हैं, तो सभी की डिटेल लिख के ले जाते हैं। तो 4-5 साल में आते हैं तो इनको कुछ दान दक्षिणा देनी होती है, जो भी श्रद्धा होती है। तो अभी हमने इनको 1101 रुपया दिया, प्लस में 11 किलो गेहूँ, और 2 लोग हैं, दोनों के लिए 2 जोड़ी कपड़ा, और बस इतना ही दिया है। और नाज दिया गोलू के लिए, थोड़ा सा नाज मिल गया, मतलब थोड़े से गेहूँ मिल गए, वो जो भी उन्होंने लिए थे हाथ में, उसके बाद कहा था कि जो बचे हुए गेहूँ हैं वो आप अपने भांजे के लिए गोलू के लिए दे देना,
तो गोलू के लिए भी थोड़ा सा कुछ मिल गया। तो चलिए अभी मैंने ना पहले भैंस को बाहर बांधा था कि भैंस को नहा लेते हैं, लेकिन भैंस को बाहर बांधते ही जगह आ गए तो थोड़ी सी इनकी सेवा की, चाय पानी किया, बैठाया, अभी सारे काम फ्री हो गए। फिर गोलू गिर गया कीच में, फिर गोलू की व्यवस्था किए, अब जाके भैंस का नंबर आएगा बड़ी मुश्किल से लाने का। कल डिब्बा मैंने यहाँ डाल दिया, उस कुंडी का डिब्बा है, अभी इसको उसी कुंडी में लेके चलते हैं। वैसे नली से भी भैंस को हम नहला सकते हैं, लेकिन नली से जब भैंस को नहलाते ना तो बहुत ज़्यादा पानी का प्रेशर आ जाए, पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है और मैं नहीं चाहता ज़्यादा पानी वेस्ट हो। पड़ुआ जब नहा मिंडे हैं, मैं पड़ुआ है, बढ़िया है, हां बढ़िया नहा लेंगे, भैंस से भी बढ़िया कोई नंबर है। अरे भाई फाउंडेशन इन नदी नीचे घर गए, सही ना है, बिल्कुल खत्म है आंटी, तुम लगा दो कितना सो तो सदर बेस ये ना देखो सदर ना है। 340 कितने बार हो गए, क्या कह रहा 25 रुपए करोड़ लगा हुआ है, 75 की हो गई, 75 26 लगा, 80 कर ले आके 415 है, 420 रुपया, 420 मध्य भाई साहब, 420 गलत संख्या है, 410 ले ले, 430 दे दे, 420 तो उल्टो बढ़िया भाई, मान बे को तो अल्लाह भगवान सब एक सार है, बस एक मालिक याद रखना चाहिए भाई, 420 नंबर गलत है, हजारों करोड़ों दही देव साथ सब ने मनाएंगे तो कहाँ तक मनाएंगे, 420 संख्या गलत ना आएगा भाई, 420 संख्या गलत रहे। आंटी सौ का खुल लो, खुल लेना है 100 के यार भाई, 150 का मेरे खुल लेना आ जाएंगे यार, 500 को मुंह पे खुल लेना है, फिर ले जाओ पैसा तुम करेंगे का, 500 के हैं तुम्हारे पास, 500 की ये कही मेरे पास हाथ दे, 400 रुपया ले बोलो, ठीक है बड़े भाई, ठीक है संभाल लेना। इन्हें दिया कोई वैसे हाथ पाँव में फारेंगे नहीं तो, पढ़िया नहा में यार, पढ़िया अधूरी अधूरी का पढ़िया बिल्कुल ना ना भी, बीच में या कोई कबाड़े वालों भी, हाँ नहाएगी देख, देख नहावे कह रही है, वीडियो बना रही नली ते भावी पानी ज्यादा खड़ा है थोड़ा सो मैं एक बार तुम ये कर लई ना, और नली तो नवा में है ना, जब थोड़ी जल्दी नवारी पर आए जल्दी जल्दी में पानी फैले, अब डिब्बा देता सलीम नवारे पूरे कर कर बढ़िया तबीयत भर जाए। आज हमारा बिजली का बिल आ चुका है, ये जो बिल है ये लाइफ का पहला बिल है, लास्ट 24 अप्रैल को हमारे घर पे मीटर लगा था, उसके बाद में पहला बिल आया है मतलब, और इसमें जो डेट लिखी है ना वो लिखी है 10/5/2021 से 11/7/2021, मतलब अप्रैल में जब जिस दिन मीटर लगा था ना उस दिन की डेट नहीं है। विद्युत खर्च है हमारा 418 रुपये, स्थायी शुल्क 460, ये स्थायी शुल्क के एक बार ही लगता है फिर बार बार लगता है, इसके लिए तो फिर इंतजार करना पड़ेगा दूसरी बार बिल आएगा। 4.75 रुपये की है एक यूनिट का खर्चा, कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पे पूरी डिटेल लिखी हुई है। नए टूर पर जाने की तैयारी, वैसे हम आज शाम को ही निकलने वाले थे लेकिन कुछ कारणों से हमारा प्लान चेंज हो गया और हम कल सुबह निकलेंगे, इसके लिए जूते धोकर तैयार कर लेते हैं, जूतों को मैं नोरे में जाके धोऊंगा क्योंकि वहीं पर है ब्रश वगैरह, इसलिए मैं घर से नोरे में ले जा रहा हूँ। हरियाणा और मजे में दुर्दामा, कौन सा दुर्दामा, दुर्दामा हाँ दुर्दामा नहीं गुरुग्राम है वो, दुरुदीराम
एक इस शर्ट की प्रेस करना बहुत जरूरी है, व्हाइट शर्ट है, इसमें बहुत ज्यादा सलवटें पड़ जाती हैं, बाकी और कपड़ों की प्रेस नहीं करता मैं, लेकिन इसके लिए पूरा तामझाम लगाना पड़ा है और उसकी प्रेस करेंगे भी। दोपहर के 3 बजे हैं लेकिन दोपहर है नहीं, अभी छाया हो गई है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, साथ ही हल्की हल्की बूंदे गिर रही है। बुआ देख कर रही है, आज हम चूरो बना रहे हैं तो इधर ये सिगरी में आंच जलाई है, बरसात हो रही है, ठंडी ठंडी बुझना जाएगा। चाय चाय सीरी है रही हमारे सिगरी सीरी है जाई सबरी मम्मी भीतर हो गए काम सिस्टम ना है, हम दो लड़ंगा लगाए ले चलो उठा। गोलू दूध लेने जा रहा है, बारिश की हल्की हल्की बूंदे गिर रही हैं, सर के गमछा मार लिया इसने। गोलू आराम से, जल्दी मत करियो कहीं गिर जाए। ये बुआ काई को मटरो चून बाटीन को दूध से चून मटर है, क्यों दूध से का फायदा होगा? ये बढ़िया खस्ता बनेंगी, खस्ता बाटी एकदम बढ़िया बनेंगी। खोबा ऊपर जाओ यार गोलू, आम तो बहुत खाए पर इसकी जो क्वालिटी है ना वो सबसे अलग है, इसमें जो स्वाद है ना वो एकदम फ्रूटी जैसा है, चाहे फ्रूटी पी लो चाहे आम खा लो। बुआ वीडियो बन रही है पीछे को देखो। बुआ लेके आई आज हम गोलू। हाँ? तू यार अब नहाओ को नहावे उठे हैं तेरो, सुबह गिरो, पता हो कितने बज रहे हैं अभी? 4 बज गए, सुबह गिरो, सुबह बुरा अब नहाओ शाम को, ऐसे करे करे का खल्लड़ में। स्पेशल चूलो बनाओ खोवा कुमार बेटा, बुआ तो झरोखे में बैठी, हवा आ रही ठंडी ठंडी झरोखे में से। घर में जब कभी भी चूरमा बनता है तो उसके साथ में अगर थोड़ा सा मावा यानी कि थोड़ा सा खोआ अगर खाने को मिल जाए ना तो मज़ा ही आ जाता है। गोलू शुरुआत करेगा, गोलू उंगली नहीं पचड़ जाए। हाँ मीठो है, आगो स्वाद है गई मौज। शाम के 7 बजे हैं, भोजन तैयार है, दाल बाटी चूरमा। जैसा कि मैंने लास्ट वाले कई ब्लॉग्स में बताया है कि ये राजस्थान की मुख्य रसोई है, तो आइए मेरे साथ खाइए। ये देखो हमारी टटली टाट, अनु टटली खोपड़ी